लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के गढ़ी कनौरा के अंबेडकर पार्क में मुफ्त शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेविका अपर्णा बिष्ट यादव के सौजन्य से मुफ्त शिविर कैंप आयोजित करते हुए शुगर बीपी की फ्री में जांच की गई। वहीं भारी संख्या में लोग पहुंचकर अपनी जांचें करवा रहे हैं। बता दें कि कैंप में साइकिल पर मोहर लगाकर समाजवादी पार्टी से अपर्णा बिष्ट यादव को विजयी बनाने के लिए अपील भी की जा रही है। तो अपर्णा बिष्ट यादव के सौजन्य से निशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में लोगों की फ्री में बीपी और शुगर की जांच हो रही है। निशुल्क जांच का कैंप आयोजित किया गया है। इस कैंप में जो लोग भी आ रहे हैं उनसे अपील की जा रही है कि आने वाले चुनाव में अपर्णा बिष्ट यादव को वोट करें और उनको विजयी बनाएं। निःशुल्क जांच का कैंप लगवाकर अपर्णा बिष्ट यादव ने लोगों की सहायता की और फ्री में बीपी और शुगर की जांच की जा रही है। जय त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। जय, निःशुल्क जांच कैंप का आयोजन किया गया है अपर्णा यादव की तरफ से, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? जी हिना, देखिए जिस तरीके से लगातार 2022 का चुनाव है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सभी पार्टियां मैदान में उतरकर कुछ ना कुछ करती हुई नजर आ रही। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी से नेता भी हैं और समाज सेविका हैं अपर्णा बिष्ट यादव, जो कि उन्होंने आलमबाग के पास गढ़ी कनौरा में निशुल्क वहां के लोगों के लिए जांचों को फ्री किया था। जो भी लोग हैं वहां पहुंचे और अपनी जांचों को फ्री कराया। और आपको बता दें कि वहां पर जो भी जांचों को लेकर फ्री किया गया कोई शुल्क नहीं पड़ा। लगातार भीड़ लगी रही, लोग पहुंचते रहे, अपनी जांचों को कराते रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जितनी देर ये कार्यक्रम चला उसमें लगातार अपर्णा बिष्ट यादव के ही नाम के गाने बजते रहे, लगातार बात चलती रही। और हालांकि मामला यहां तक की भी था कि लगातार वहां पर ये भी अनाउंस हो रहा था, लगातार बात हो रही थी कि समाजवादी पार्टी साइकिल पर मोहर लगाकर उसको विजय बनाए, इन तरह की बातें चल रही थी और वहां पर इन्हीं सब चर्चा चल रहा था। एक जो कि ये निःशुल्क कैंप लगाया था, ये कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को लेकर ही रणनीति नजर आ रही है, जिस पर कहीं ना कहीं अपर्णा बिष्ट यादव काम करती हुई नजर आ रही। अब आने वाले समय में ये देखना है कि 2022 के चुनाव में अपर्णा बिष्ट यादव को कहां से टिकट मिलता है, किस जगह पे वो दिखाई पड़ती है और किस तरीके से 2022 का चुनाव कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरीके से ये एक समाज सेवा का कार्य था, लगातार लोगों को निःशुल्क जाँच कराना, ये भी कहीं ना कहीं एक समाज सेवा है। लोगों को लगातार कोरोना काल में पीड़ित है, परेशान है, उसको देखते इस तरह के कार्य कहीं ना कहीं होने आवश्यक थे, जिसको देखते हुए अपर्णा बिष्ट यादव ने ये निःशुल्क जांच का शिविर लगा के ये एक कार्यक्रम आयोजित किया। जी, जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।